ये हमारा जो है, जब कोई भी स्टूडेंट नया नया एडमिशन लेता है तो एडमिशन के दौरान उसको लगता है कि नहीं हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और उसको लगता है कि ये वैकेंसी कर लेंगे अगर कोर्स तुरंत लग जाए। लेकिन हर दौर में इतना भीड़ बढ़ चुका है कंपटीशन का मामला, जितना लड़कन शुरू में सोचता उतना है नहीं। अभी तुम लोग है एडमिशन लिया होगा, सबको लग रहा है कि कोर्स कर लेंगे आईटीआई तो नौकरी लग ही जाएगी। तो नौकरी लेने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप ईमानदारी दिखाइए। आप यहाँ एडमिशन ले लिया अच्छी बात है, आप ईमानदारी पढ़ाई में नहीं देखिएगा तो नहीं संभव है। कोई भी इंसान अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन में ले गया एडमिशन, संस्थान में अच्छा ले लिया, वो नहीं पढ़े तो नौकरी लग जाएगा। ये बताओ कि भी कितना ये सब क्रेन ये सब ये भी सब टॉप लेवल का स्कूल है, इसमें सब लड़कों पर तो सबको नौकरी लग जाता है? ऐसा नहीं संभव है। ऐसा थोड़ी कि खड़गपुर से सब आई कर रहा तब नौकरी लग रहा, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मतलब खाली जो हमारा संस्थान टॉप रहने से नहीं होता, आप कहीं भी पढ़िए जब तक आप ईमानदारी से नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं होगा काम आपका, मंजिल आपका प्राप्त नहीं होगा, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ एडमिशन लिया तो पहला आप देखिए कि आप पढ़ाई में ईमानदारी दिखाइए, पढ़ाई के साथ कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई हो रहा होमवर्क मिल रहा जैसे तैसे करके आ गए, तब जैसे तैसे जो करने वाले है माने एनन पार्क रेरन काम शॉर्टकट वाला, वो सब का हम गुंजाइश नहीं। दूसरा मैटर ईमानदारी से पढ़िएगा। दूसरा आप इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक्सीलेंट बनिए। किसी को नंबर आ गए 80% लिख दिया एक्सीलेंट तो समझता है कि हम तो हो जाएंगे। अब वो बताओ कि जो 99% लाया वो कहाँ जाएगा, तुमसे तो आगे है ना। तो कहने का मतलब है कि आजकल कंपटीशन के दौर में एकदम इंस्टीट्यूशन से आप एडमिशन लिए तो अगर टॉप रैंक का है तब समझिए कि नौकरी हो। अब ऐसा ऐसा बताओ 149 आईटीआई है, अगर हर एक आईटीआई से दो दो को टॉपर मिले तो 14 × 2 = 28 305 लेकर आ जाएगा, और सीट रहेगा 20 तब बताओ कहाँ से होगा। तो जो टॉप रहेगा संस्थान तो उसी का होगा ना। तो इसीलिए आप लोग के दिमाग में गलत समझ निकाल दीजिए कि मेरा 80% 85% है तो हो जाएगा, नहीं, यहाँ 95% के बैठे बेचारा रोड पर घूम रहा। तो दूसरा आप दिमाग में रखना है कि हमको जो है तो पास नहीं करना है, हमको जैसे अंडर 10 नहीं लाना है, बस 3 पोजीशन तक नंबर रखना है। अब पूरा इंस्टीट्यूट में ये नहीं कि आईटीआई में, अब पूरा गया आईटी में 1-2-3 नंबर है। अब बताओ 3-3 का हर एक आईटी अगर लेंगे तो 450 लेकर आ जाएगा। सीट रहेगा मान लिया कि इलेक्ट्रीशियन में माने इलेक्ट्रीशियन नहीं काम लेते हैं तो हर एक पूरा 149 हुआ है, 3-3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा एकदम टॉप लेवल दिखा ले तो आ गया 500 लड़का। और स्टेट इलेक्ट्रीशियन के हम मान लें कि 40 को पावर ग्रिड में 50 को अब जो टॉप टॉप है होगा तो हो ही नहीं नौकरी। तो ये एन ए है 11वां 12वां नंबर वो सब होगा नहीं होगा। तो इसलिए सब दिमाग में रखो, एडमिशन लिया है ईमानदारी से पढ़ना है, हमको दिमाग में रखना है कि टॉप रैंक लावे। और यहाँ पोजीशन की बात है, यहाँ पास करे नहीं, पास तो सब कर जाता है जी, मैट्रिक में दिया सब का एकदम पास अब 80% कह गो कि नौकरी हो रहा देखो नजर उठाती। तो यहाँ पढ़ने से खाली नहीं हमको देखना है कि चलो पास कर गए 85% ला दिए तो हो गया, नहीं, आप टॉप 3 में रहिएगा तो संभव है, नहीं है तो समझिए कि आप कंपटीशन का दौर में चले हो गया। आप तीसरा मैटर, सारे अच्छे से इंस्टीट्यूशन है मालिक यहाँ है तो कंपटीशन से आया, तो कंपटीशन से आया तो लड़का तो सब क्रीम आ गया, क्रीम समझता है अच्छा क्वालिटी का। अब अच्छा क्वालिटी का लेकर आ गया तो उसको थोड़ा सा भी कॉपरेशन मिलेगा तो पढ़ के ठीक खुलेगा खुलेगा ना। लेकिन बात है कि जो आदमी एकदम पढ़े में कमजोर है उसको अगर टॉप लेवल में लाना है तो ये बहुत कम चांसेस है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जहाँ भी अच्छा इंस्टीट्यूशन है पहले कंपटीशन एग्जाम दिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से जो कैंडिडेट हैं उसको चुन लिया जाता है। तो चुन लिया था तो उसको अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कम हुआ तो पढ़ के मैनेज कर लेगा, लेकिन जो आदमी बहुत एडमिशन लेगा उसका संभव है नहीं। तीसरा कारण हो गया कि यहाँ शरीर ठीक ठाक लड़का है तो थोड़ा सा अपना सा दिमाग लगाओ। 100% अगर आप सोचते हैं कि कहीं कोई आदमी दे दे तो संभव नहीं है, हाँ मार्गदर्शन मिलेगा लेकिन आपका मेहनत आपको करना है आपको चलना है। ये हो गया।